और महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, स्टील, कपड़ा और रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर छापे। जालना में रेड में 56 करोड़ की कैश और 14 करोड़ की ज्वेलरी बरामद हुई है। 190 करोड़ की बेनामी संपत्ति का भी पता चला है। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें भारी मात्रा में बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक्शन एक स्टील कारोबारी, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के ठिकानों पर हुआ है, जिसमें आयकर अधिकारियों ने अकूट संपत्ति बरामद की है। इनकम टैक्स के अफसरों ने फिल्मी अंदाज में छापा मारा। 100 गाड़ियों के साथ जालना में आयकर अफसर पहुंचे और ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेड के दौरान 56 करोड़ कैश मिला है और 14 करोड़ की ज्वेलरी जब्त की गई है। इसके अलावा 190 करोड़ की बेनामी संपत्ति भी कारोबारियों के पास से मिली है। कारोबारियों के यहां छापा मारने गई टीम ने कल सुबह 11 बजे से कैश गिनने का काम शुरू किया, जो देर रात 1 बजे तक चला। जांच के दौरान अफसरों को कुछ अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। आयकर टीम को 30 लॉकरों का पता चला है, जिसमें कुछ ही लॉकर चेक किए गए हैं। बाकी लॉकरों की जांच बाकी है, जिसमें बड़ी संपत्ति मिलने का खुलासा हो सकता है। ये भी पता चला है कि कंपनी के कर्मचारियों के नाम पर लॉकर और अकाउंट खोले गए थे।